कर देंगे ताकि इजीली एक्सेसिबल हो और सब कोई को वहाँ पर विजिबिलिटी रहे असाइनमेंट्स को लेके, और एक जगह कलेक्शन रहे। तो ये मेनली पर्पस है गूगल क्लासरूम बनाने का। ऑल्सो जिन जिन लोगों ने अभी तक डिजिटल नालंदा के वेबसाइट पर क्लास स्कूल के लिए कर लिया है, तो उनको लेके हम एक विद इन नेक्स्ट वीक एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जिसमें हमारे जो जो टीचर्स हैं, जो जो क्लासेस ले रहे हैं और जो जो लोग मटेरियल बना रहे हैं, वो भी रहेंगे और आप लोग भी रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हम कोई असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, या आपको इन जनरल भी आप कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो या कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कोई ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या आपसे नहीं बना, तो आप उस क्वेश्चन का टाइप करके या फोटो तो क्लिक करके आप उस ग्रुप में भेज दो। हमारे जो टीचर्स हैं और अदर मटेरियल टीम के लोग हैं या कोई अदर स्टूडेंट जिसको आता है, वो आपको उसका आंसर्स में हेल्प करेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि आप जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऑन द स्पॉट आप जैसे सेंड करोगे, हम ट्राई करेंगे एज सुन एज हम उसका सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो एक आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और मॉक वगैरह दें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए हम जो भी लोगों ने जिन लोगों जो लोग सीरियस हैं, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है डिजिटल नालंदा के वेबसाइट पर क्लास के लिए, उनको लेके हम एक उनको हम गूगल क्लासरूम में ऐड कर रहे हैं और उनको एक लेके व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। तो अभी तक तो ये अभी तक काफ़ी कम लोग आए हैं, मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ, और अगर और लोग नहीं है कोई बात नहीं, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे। बस मैं एक दो लोगों के लिए वेट कर लेता हूँ 1-2 मिनट, और जितने लोग आने होंगे आ जाएंगे। फिर आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क की। आज मैथ्स की क्लास है तो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो इसके बाद लीगल होगी, आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी क्योंकि जो टीचर लेने वाले थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अचानक से हमें पता चला। तो हम इंग्लिश की क्लास जो है नेक्स्ट वीक कभी जो भी सुटेबल टाइमिंग होगा उस पर हम शिफ्ट कर देंगे। तो आज की इंग्लिश क्लास पोस्टपोन हो रही है। तो आज के 2 क्लासेस हैं, मैथ्स और लीगल। मैथ्स में मैं आज जो आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, तो जिसको ज्वाइन करना होगा उसके बाद वो करेंगे। ठीक है, मेरी आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस हो गया। ओके, सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बेसिकली आप देखो तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इफ ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू अ टाइम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो ऑल टुगेदर दे विल डू इन हाउ मच टाइम। मतलब आप किसी को काम को अगर 5 दिन में कर रहे हो, कोई दूसरा है 6 दिन में कर रहा है, तो आप दोनों मिलकर कितने दिन में करोगे। तो ऐसे ही मेनली क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम द फॉलोइंग सिंपल फैक्ट विल प्रूव वेरी हेल्पफुल। टाइम एंड वर्क बेसिकली कि किसने टाइम में कितना काम कोई कर रहा है, बेसिकली यही है पूरे होल इक्वेशन ऑफ टाइम एंड वर्क इसी के अराउंड है। सो इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ही विल डू 1/20th ऑफ द वर्क इन 1 डे। एंड कन्वर्सली इफ अ मैन कैन डू 1/20th ऑफ द वर्क इन 1 डे, ही विल फिनिश द वर्क इन 20 डेज, राइट। अगर कोई इंसान एक काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन की काम करने की उसकी क्षमता 1/20th है, यूनिट जो है उसकी काम करने की। वैसे ही अगर वो एक दिन में 1/20th यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, तो टोटल काम करने में उसको 20 दिन लगेंगे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेन एंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क बी चेंज इन द रेशियो 5:4, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वर्क विल बी चेंज इन द रेशियो 5:4, 4:5, सॉरी 4:5। तो अगर कोई मेन जो है किसी काम जो लोग हैं किसी काम को करने में एंगेज हैं, और उसका हम रेशियो अगर 5:4 जो टाइम है वो उसको चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो टाइम विल बी चेंज इन टू रेशियो ऑफ 4:5, ठीक है।
इफ ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वॉकमैन एज बी, देन ए विल टेक 1/3 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क, और द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन द सेम वुड बी 3:1। तो देखो आप यहाँ पे, इफ ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, ठीक है, देन ए विल टेक 1/3 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स टू डू सर्टेन वर्क। अगर जो ए जो है बी के काम करने की शक्ति से उसकी कार्य शक्ति 3 गुना ज्यादा है, तो जाहिर जाहिर सी बात है कि ए जो है उससे 1/3 1/3 टाइम कम लेगा बी से कोई भी काम को करने में। और द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन द सेम टाइम वुड बी 3:1। लाइक वाइज इफ ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज एंड इन 1 डे ही विल बी एबल टू डू 1/A ऑफ द टोटल वर्क, इफ बी कैन डू द सेम वर्क इन बी डेज इन 1 डे ही विल बी एबल टू डू 1/B ऑफ द टोटल वर्क। राइट, जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया आपको कि 20th है तो 1/20th, लाइक वाइज, ठीक है। टुगेदर इन 1 डे दे विल डू दे इन 1 डे बोथ ऑफ देम विल फिनिश। तो एक ए जो है 1 दिन का काम होगा इसका 1/A, बी का होगा 1/B, तो दोनों मिलकर टुगेदर इन 1 डे बोथ विल फिनिश कितना अमाउंट, 1/A + 1/B, ठीक है। टाइम इन वर्क प्रॉब्लम ट्रिक्स, तो इसके दो मेथड है टाइम इन वर्क के, जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के प्राइमरली दो मेथड है। एक कन्वेंशनल है ऐसे 1/A 1/B करके, और एक एलसीएम, इसमें भी आप एलसीएम लोगे बट आपको ऐसे 1/A 1/B करने की जरूरत नहीं है, और एक थोड़ा शॉर्ट अप्रोच जो है एलसीएम अप्रोच है। तो इसमें क्या होगा कि आपको एलसीएम वगैरह तो निकालना होगा, लेकिन ऐसा होगा कि आप थोड़ा कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हो इस वाले अप्रोच में, और अल्टीमेटली आपको क्लास में टाइम बचाने की जरूरत है। तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप ये वाला जो तरीका है आप इसको फॉलो करें, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, आप नीचे देखेंगे तो हम इस वाले से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वाले से भी सॉल्व करेंगे, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इस वाले से बताऊंगा एक बार, मैं इसको इस ऐसे मेथड को बता दूंगा तो आप लोग खुद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी लर्न विथ यूनिट वर्क अप्रोच एज वेल, विच अज्यूम्स द टोटल वर्क टू बी डन एज द एलसीएम। आई एम गेसिंग सबको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। डन एज द एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ईच ऑफ द पर्सन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। इतना अब क्या होता है, इसमें हम एक सॉल्यूशन देखेंगे तो हम समझ में आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स अज्यूम दैट ट्रम्प कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज अलोन एंड पुटिन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज ऑफ हिज ओन, ओके, ठीक है। ट्रम्प कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, पुटिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30। नाउ इन द अबव मेंशन केस लेट अस अज्यूम दैट द वर्क कंसिस्ट ऑफ द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। इजी है 20 30 का एलसीएम 50। तो देखो आप यहाँ समझने की क्या बात है, 20 जैसे अब मान लो कि ट्रम्प ट्रम्प कैन डू इन 20 एंड पुटिन कैन डू इन 30, ठीक है, कितना क्लियर। अब एलसीएम इसका हो गया आपका 60, राइट, 20 और 30 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज समझने वाली चीज है कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। अगर ट्रम्प जो है एक काम को 20 दिन में करता है और पुतिन 30 दिन में करता है, तो ये एलसीएम जो है जो 60 आया इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क, ठीक है। अहम ट्रिक क्या है इसके, देखो मान लो कि 20 और 30, ठीक है, 20 एंड 30, तो दोनों का एलसीएम हम जो निकालेंगे इसको हम टोटल वर्क भी कंसिडर करेंगे, तो 20 और 30, ठीक है, टोटल वर्क। अब हम 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, 1 डे वर्क, ठीक है। तो 1 डे वर्क फॉर ट्रम्प,
तो वन डे वर्क फॉर ट्रम्प कैसे निकलेगा? अब आपको क्या करना है कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया, 60, टोटल वर्क इक्वल टू 60। तो ट्रम्प का वन डे वर्क हम कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 20, दैट वुड बी 3, राइट। लाइकवाइज पुटिन का वन डे वर्क हम कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 30, दैट वुड बी 2 यूनिट, राइट। देखो एक बार समझो मैंने क्या किया, ट्रम्प एक काम को 20 दिन में कर सकता है, पुतिन जो है उसके काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, 20 और 30 का 60। तो ये जो 60 यूनिट्स आया, ये जो 60 यूनिट्स है ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब हम टोटल वर्क एक बार निकल जाता है तो फिर वन डे वर्क निकालते हैं हर एक पर्सन का। तो क्या करते हैं, जितना इसके टोटल डेज दिए हुए हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल वर्क से उसको डिवाइड कर देते हैं वन डे वर्क निकालने के लिए। तो ट्रम्प का 60/20, पुतिन का 60/30, 2 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो अब वन डे वर्क, इसको मैं वन डे वर्क को आप लोग याद रखो कि मैं इसको OWD लिखूंगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत करना है, शॉर्ट में के लिए वन डे वर्क को OWD लिख रहा हूँ। तो OWD ऑफ ट्रम्प का टी एंड पुटिन कितना हो जाएगा, 2 + 3, 5 यूनिट, राइट। एक अब ट्रम्प का वन डे वर्क कितना था, 3 यूनिट, पुटिन का वन डे वर्क यूनिट कितना था, 2 यूनिट। तो ट्रम्प और पुटिन दोनों का वन डे वर्क कितना होगा, 5 यूनिट, 2 + 3। अब ये दोनों मिलके जो हमारा टोटल है 60 यूनिट, कितने बार कितने दिन में करेंगे, टाइम टेकन वुड बी 60 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 5, राइट। 12 डेज, सॉरी 12 डेज। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत की कैसे मैंने एक्सप्लेन किया? नहीं तो चलो मैं आप लोगों को एक मैनुअली क्वेश्चन देता हूं। मान लो राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मैं यहां लिख देता हूँ चैट बॉक्स में आप लोगों के लिए। राम एक काम जो है मान लो 2 डेज में कर रहा है, 2 डेज, एंड श्याम जो है 3 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, अभी इसमें राम 2 दिन में और श्याम 2-3 डेज, तो कितने दिन में होंगे दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहला स्टेप क्या है, एलसीएम, राइट। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क लिखो आप, 6, आयुष ने बोला 6, ठीक है। अब 6 आ गया तो राम का वन डे वर्क कितना होगा, 3 यूनिट, ठीक है, और श्याम का वन डे वर्क कितना होगा, 2 यूनिट, राइट। तो राम और श्याम दोनों का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, राइट। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई दोनों का वन डे वर्क, तो 6/5 डेज, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? यस आयुष, आयुष ने बिल्कुल सही लिखा, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत?
बाकी लोगों से बने यस नो लिख दो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। वेट कर रहा हूँ मैं, अभी किसी को समझ नहीं आया तो आप बोल दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो? आप लोगों से बना कि नहीं? तुम क्या कबीर लिख रहे हैं? कबीर कलम। ओके ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब एग्जांपल है ये, यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया हुआ है। कन्वेंशनल मेथड में एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, हाँ तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ बोथ वर्क टूगेदर? ए एंड बी कैन डू 1/5 + 1/6, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 5 days, तो उसका 1 day वर्क क्या हो जाएगा, 1/5। ये कन्वेंशनल मेथड है, इसमें क्या करते हैं 1/5, ठीक है, और फिर 6 का है 6 तो 1/6, ठीक है। तो 1/5 + 1/6, तो 5 और 6 का LCM 30, फिर ये डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो ऊपर 6 जाएगा, 5 / 30 वुड बी 6, 6 / 30 वुड बी 5, 6 + 5 = 30 by, sorry, 11/30, राइट। फॉर वन ये हो जाएगा इनके 11/30 ऑफ द वर्क इन 1 day, ठीक है। देयर फॉर ए एंड बी कैन डू द होल वर्क इन 30/11 day। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जो भी हमारा 1 day वर्क आता है यहाँ पे 11/30, उसका अपोजिट करके ये टोटल टाइम हो जाता है, द होल वर्क कैन बी डन इन 11/30 by 11 days, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मैंने पहले वाला मेथड बताया उसे सॉल्व करें। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 5, एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम प्लस टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम प्लस टोटल वर्क 30 यूनिट, राइट। अब 1 day वर्क निकालेंगे हम, 1 day वर्क निकालेंगे, राइट। तो ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 6 यूनिट, और बी का कितना हो जाएगा? 5 यूनिट, ठीक है। अब ए प्लस बी का 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 day वर्क, ठीक है। तो दैट वुड बी 11/30 यूनिट, राइट, सॉरी 30/11 days, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करो। अच्छा चाहिए मैं एक बार बता देता हूँ, एक थोड़ा इसमें अब पूछा जाएगा कि ए एंड बी कैन टुगेदर अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड ए कैन अलोन डू इट हेलो इन सर, 9 days। हेलो हाँ हेलो हाँ सर, स्क्रीन सर विजिबल नहीं नहीं है सर, फिर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। यस सर, एक्चुअली एज आई एम गेटिंग सम इशू इन शेयरिंग माई विंडो, आई कैन शेयर द स्क्रीन बट आई एम गेटिंग सम इशू इन शेयरिंग माई विंडो, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल नाउ। आयुष मैं 3% वाले के पे भी आऊंगा, वेल इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? यस अब दिख रहा है सर, स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है अभी।
हाँ ठीक है, ओके तो ये एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यस सर। हाँ ए कैन डू अ पीस, हाँ तो क्या हो रहा है कि मैं अभी चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप माइक अनम्यूट करके बता देना मुझे। ओके, तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ए इफ टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। ठीक है, तो एक कन्वेंशनल मेथड होता है कि फाइव, जैसा मैं ऊपर देखा था हमने कि 20 है तो एक दिन का 1/20 ऑफ द वर्क इन दिन का फाइनेंशियली 1/20, वैसे करके हम 20 डेज का यहाँ पे निकालते हैं 1/20 करके। ये भी सेम है बट इसमें थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है, बिकॉज आपको इसमें करना क्या होता है कि आपको अब 1/5 है 6 है, तो 1/5 1/6 करोगे, फिर एलसीएम लोगे 30, फिर डिवाइड करोगे 5 30 तो 6 6 + 5 वुड बी 11, तो 11/30 ऑफ वर्क इन 1 डे, देयरफॉर टोटल वर्क जो 11/30 1 डे वर्क आता है उसे को हम ऊपर नीचे कर देते हैं तो 30/11 डेज हो जाता है। लेकिन हम कन्वेंशनल मेथड को ना देखे एलसीएम मेथड पे आते हैं क्योंकि ज़्यादा बेटर है, इफेक्टिव है। तो अब हम आते हैं कन्वेंशनल मेथड पे, ये देखो यहाँ से आपको वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब देयरफॉर ए एंड बी कैन डू अ होल वर्क। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ इन 5 डेज, बी कैन डू इन 6 डेज। ठीक है, ए 5 बी 6, एलसीएम और टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 यूनिट, 5 और 6 का एलसीएम। तो ये है 1 डे वर्क। 1 डे वर्क वैसे क्या करते हैं, टोटल जो एलसीएम आया प्लस में इसका जो डेज है 5 डेज 6 डेज डिवाइड कर देंगे 1 डे वर्क निकालने के लिए ए का। तो 30 को डिवाइड करेंगे हम 5 से ए का 1 डे वर्क निकालने के लिए। ठीक है, और 30 को हम डिवाइड करेंगे 6 से बी का 1 डे वर्क निकालने के लिए। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 6 यूनिट, और लाइक वाइज 30 डिवाइडेड बाई 6 5 यूनिट। ठीक है, तो ए का 1 डे वर्क आया 6 यूनिट और बी का 1 डे वर्क आया 5 यूनिट। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा 11 यूनिट। राइट, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, कितना टाइम लगेगा दोनों को साथ में करने के लिए। तो ए प्लस बी का पूछा गया कि क्वेश्चन दोनों साथ में कितने दिन में करेंगे, 11 यूनिट काम से एक दिन में कर रहे हैं, टोटल काम उनको 30 यूनिट करना है, तो 30/11, तो 30/11 डेज। ठीक है, अब आते हैं अगर तीन, जैसे आयुष का क्वेश्चन था 3, तो मान लो कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मान लो कि ए 5 है बी 6 है और हम एक और नंबर दे लेते हैं, मान लो ए दे दे नहीं, चलो हम इस पर आते हैं, ए कैन डू इन 2 डेज, ए कैन डू 4 डेज, ए कैन डू इन 6 डेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, बी कैन डू इन 4 डेज एंड सी कैन डू इन 6 डेज। ठीक है, तो तीनों मिलके, तीनों मिल के प्लस कितने दिन में करेंगे आप बताओ मेरे को। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो ऑल टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, देखता हूँ आप लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं तो उसके बाद, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तीन तीन लोगों के लिए है, ए प्लस बी प्लस सी, तो सेम प्रोसेस है, एलसीएम निकालना है, 1 डे वर्क निकालना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क और टोटल वर्क निकाल लेना है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे वर्क से। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, एक बार चैट में भी लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को देखना हो तो चैट में वो कर दिया है, ए कैन डू इन 2 डेज, बी कैन डू इन 4 डेज, सी कैन डू इन, एलसीएम कितना आएगा 2 4 6 का। ट्वेल्व, राइट, ठीक है, ट्वेल्व आएगा। लाइकवाइज ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 6,
बी का कितना हो जाएगा, 3, और सी का हो जाएगा 2। बाकी लोगों का देखिए क्या आंसर आ रहा है गाइस। 12 सही है। वन डे कैसे लिखा आप लोगों ने? नहीं देखो, ये आयुष ने जो लिखा है 12/11, दैट इज द राइट आंसर। कैसे? क्योंकि जो आप 6, 13 और 2, सॉरी 6, 3 एंड 2, 6, 3 एंड 2 का आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। तो अब हमारा टोटल वर्क हो गया 12, राइट। अब 12 हो गया तो वन डे वर्क ऑफ ए कितना होगा? ए का वन डे वर्क कितना होगा? 6 होगा। लाइकवाइज बी का वन डे वर्क 3 होगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, और 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड वैसे। तो ए का 6, बी का 3 और सी का 2। ठीक है, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2 11, सो 12/11 डे। टोटल वर्क 12 और वन डे वर्क ए प्लस बी प्लस सी का 11। तो कबीर, आयशा का भी आंसर सही है, कबीर का आंसर सही है, आयुष का आंसर सही है, बिल्कुल तीन बच्चों का आंसर सही है। तो अब आयुष ने पूछा था तीन लोगों का। आयुष आपको समझ में आया कि तीन लोगों का कैसे? सेम प्रोसेस है आपको, जिन जिन लोगों का दिया है कि वन डे कितना, इतने दिन में कर सकते हैं, इतने दिन में इतने, ऐसे ही 4 लोगों का होगा, 5 लोगों का, 6 लोगों का होगा, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। आपको जितने नंबर दिए हैं, 2, 4, 6, 5, 10, 11, 12, 15, 20, 25, जितने हैं सबका एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आ रहा है वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इंडिविजुअल का टोटल वर्क निकालने के बाद वन डे वर्क निकालना है। मान लो एलसीएम आया 20 और ए का कैपेसिटी था 5, तो 20/5, तो ए का वन डे वर्क हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा मान लो को एक्स, सी का हो जाएगा वाई। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी के वन डे वर्क से, हमारा आंसर आ गया। ए प्लस बी वाले क्वेश्चन हो तो, हाँ आयुष, तो ए प्लस बी वाले पे क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, वो इसके आगे नेक्स्ट पे वो है, मैंने एक्सप्लेनेशन में ऐड किया है, तो हम अब उन्हीं सब क्वेश्चन को देखेंगे अब। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों। अब हम आते हैं, ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट? ये क्वेश्चन आप देखो, कन्वेंशनल मेथड 1/6, 1/9 करके, अब हम निकालते हैं एलसीएम मेथड पे। ठीक है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा उसको? 6। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी कैन डू इन 9 डेज। ठीक है, 6 एंड 9, तो 6 एंड 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, राइट, 18 यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या स्टैट है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारे पास है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का वन डे वर्क, ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल यूनिट हमारा 18 आ गया, 18, और ए प्लस बी का पीस ऑफ वर्क इन 6 था, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 18/6, 6 यूनिट। लाइकवाइज ए कैन अलोन डू इट इन 9 डेज, तो ए का अकेला कितना हो जाएगा? 9/18, 2 यूनिट। अब एक बात बताओ, जब ए प्लस बी का, ए प्लस बी, ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए जो अकेला है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो
बी का वनडे वा कितना होगा, टी माइनस टू, राइट, टी माइनस टू, समझो इसको, ए और बी दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं रोज, और ए जो अकेला है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी जो हम इसको करेंगे ए प्लस बी माइनस ए, तो ए कैंसिल, बी का अकेला 1 यूनिट बचेगा, राइट right? अब पूछा गया है इन हाउ मेनी प्लेस कैन बी अलोन डू इट, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बी अलोन वुड बी कितना, टोटल यूनिट वर्क 18 और इसका वन डे वर्क कितना है, वन डे वर्क कितना है, 1 यूनिट, तो 18/1, सिंपल, राइट, ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको, ठीक है। अब मैं एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, और अब सेम कॉन्सेप्ट है, अब आपको सॉल्व करना है, मैं बस उसका डाटा चेंज करूंगा, मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है, अब वो देखता हूँ कि आप लोग कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। इफ बी एंड सी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड सी कैन अलोन डू इट इन 12 डेज, इन हाउ मच टाइम कैन बी अलोन डू इट, सेम वही प्रोसेस है, आपको पहले सबका दोनों का एलसीएम निकालो, टोटल वर्क 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, बिल्कुल आयुष, ठीक है, आयुष ने लिखा 36, राइट, तो टोटल वर्क आपका 36 हो गया, हाँ आयुष ने लिखा और कबीर ने भी लिखा, ठीक है, दो आयुष हैं, आयुष राउत हैं, आयुष है, ओके ग्रेट, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36, तो अब आप निकालो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा वन डे वर्क, 36/9, कितना होगा, बिल्कुल 4, वैसे ही अब 12 का करो, सी कैन डू इट इन 12 डेज, तो सी का कितना हो जाएगा 3, तो बी प्लस सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकते हैं काम, और सी जो अकेला है 3 यूनिट काम कर सकता है, राइट, तो बी अकेला कितना यूनिट काम करेगा, 4 माइनस 3, 1 यूनिट, टोटल यूनिट वर्क कितना है 36, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 36/1, तो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा 36, किसका किसका आंसर 36 आ रहा है, किसी का आंसर 36 आया, क्या आंसर आ रहा है आप लोग, आप चैट बॉक्स में लिखो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो, हाँ कबीर का आंसर आया 36, वेरी गुड, और किसका किसका आया, आयुष का, आयुष का भी ठीक है 36, आयुष राउत का भी आया, बहुत बढ़िया, आयुष को लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है आयुष, देखो आप, देखो मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ, बी प्लस सी
बी प्लस सी का वनडे वर्क लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, चैट में मैं वनडे वर्क लिख रहा हूँ, 4 यूनिट, ठीक है, इतना समझ गया आप। बी प्लस सी का 4 यूनिट कैसा है, टोटल वर्क 16 था, और बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे थे, 9 डेज में, तो 36 डिवाइडेड बाय 9, 4 यूनिट, ठीक है। लाइकवाइज सी का, सी कितने दिन में काम कर रहा था, 9 डेज में, सॉरी 12 डेज में, सी अकेला जो कर रहा था 12 डेज में कर रहा था, तो सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 12, 3 यूनिट, राइट। तो जब बी प्लस सी 4 यूनिट है और सी का अकेला 3 यूनिट है, तो बी का कितना बच जाएगा, अब बी प्लस सी 4 है और सी अकेला 3 है, तो बी कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, सी का बस 4 माइनस 3 1 यूनिट, तो जो 1 आया ये बी का वन डे वर्क आया, टोटल वर्क कितना है, 36। तो हम टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क, तो 36/1 कितना होगा, 36, तो 36 डेज, समझ में आया आयुष। चलो ब्रेक, चलो टाइम कम है गाइस, 1 ही घंटे की क्लास है, तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझाते जाऊंगा, एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा और आप लोग सॉल्व करना जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अरे रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, हाउ मच टाइम कैन ही डू इन 4 डेज, हाउ मच कैन ही डू इन 4 डेज। तो ये तो इजी है गाइस, उसका वो बहुत कन्वेंशनल मेथड से भी देखो, तो जो 5 दिन में टोटल काम करता है तो 1 दिन में 1/5 ऑफ द काम करेगा, तो 4 दिन में 4/5 ऑफ द काम करेगा, राइट। आपको उस एलसीएम मेथड से मत देखो, कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन को देखो कि वो पूरा काम 5 दिन में करता है, तो एक काम 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/5, तो 4 दिन में कितना करेगा, 1/5 × 4, तो दैट वुड बी 4/5 ऑफ द वर्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मैं फॉर्मूला भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इफ टीना कैन स्टिच 17 शर्ट्स इन 7 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन सी स्टिच 100 शर्ट। अब देखो ये 17 शर्ट, ये आप समझना पहले, ये हम लोग एलसीएम मेथड में अभी नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग अभी सॉल्व मत करने लग जाना, इसको समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को, ठीक है। इफ टीना कैन स्टिच 17 शर्ट इन 7 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन शी स्टिच 100 शर्ट, ओके, 17 शर्ट कैन बी स्टिच इन 7 डेज, 1 शर्ट कैन बी स्टिच इन 7/17 डेज, देयर फॉर 100 शर्ट कैन बी स्टिच इन 700/70 डेज, ठीक है। ये तो कन्वेंशन मेथड है, अब इसका एक फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टाइम एंड वर्क का वन ऑफ द मोस्ट, एक तो एलसीएम वाला अप्रोच और ये जो मैं फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एम वन बी वन एच वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टू। अब आपको समझ, ये जो डब्ल्यू वन है ना, यहाँ पे नीचे होगा, मतलब ऐसे नीचे, इसके नीचे यहाँ पे होगा डब्ल्यू टू, मैं ऐसे वर्ड फाइल में नीचे नहीं जाता है, तो ये कर सकते हैं, या तो फिर मैं इसको कंट्रोल यू करके यहाँ पे डब्ल्यू जी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, ठीक है। ये समझो कि ये क्रॉस, देखो आप आपने पढ़ा होगा कि मान लो कि 2/3 इक्वल टू 4/5 है, तो 2 × 5 × 3 × 4 होता है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको कि इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना है, तो ये एम वन डी वन एच वन जो है इंटू डब्ल्यू टू कर सकते हैं हम, और एम टू डी टू एच टू इक्वल टू डब्ल्यू वन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को,
बेसिकली W2 इक्वल टू W1, ठीक है? ये आप लोग याद रखना ये, ठीक है? अब देखो, अब इसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको हम फिट करते हैं। इफ टीना कैन स्टिच 17 शॉट्स इन 7 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन सी स्टिच 100 शॉट्स? तो M1, D1, H1 क्या है? M1 इज मैन, D1 इज M इज मैन, D इज डेज, H इज आवर, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, M जो है मैन है, D जो है डेज है, H जो है आवर्स है, और सॉरी आवर्स, और W जो है कुछ वर्क है, ठीक है? तो अब हमको फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पे? 17 डिवाइडेड बाई, ठीक है? 17 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 7 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू, अब हमको नहीं पता कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। इफ टीना कैन स्टिच 7 शॉट्स इन 7 डेज, तो 7 शॉट यानी टोटल वर्क कितना हो रहा है, टीना कितना वर्क कर रही है, 4 17 का, 17 शॉट का, कितने दिन में? 7 डेज में। देखो तो टीना कितनी है, एक इंसान है, तो M1 कितना हो जाएगा, 1। तो हम क्योंकि हेंस मल्टीप्लाई है, तो किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रह जाता है। अगर हम टीना एंड रीमा होती तो उसको हम M2 या वो कर सकते थे, लेकिन M1 है तो कितने लोग हैं, एक है, ठीक है? तो एक के लिए हम नहीं भी मेंशन करेंगे तो चलेगा। तो 17 7 डेज में, तो ऊपर जो हमारे पास कितना है, D1 है, डे है, तो डे कितना है, 7 है, और टोटल शॉट्स कितने तैयार हो रहे हैं, 17। अब कितने, अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज कैन सी स्टिच 100 शॉट, ठीक है? अब हम कितने दिन जो है उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स और डिवाइडेड बाई, अब पूछा जा रहा है 100, तो W2 पूछा जा रहा है, कितने कितना W2, सॉरी W2 दिया हुआ है, अब हमसे B2 पूछा जा रहा है कितने दिन में, तो एक्स अपॉन 100, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 17x = 700, x = 700, 70, इट वुड बी लाइक 41.17। ये फॉर्मूला याद रखो आप, M1 D1 H1 अपॉन W1 = M2 D2 H2 अपॉन W2। जितना लोग हैं उतना, कितना दिन और कितना घंटा, इसमें तो घंटा नहीं दिया है, मान लो कि 7 डेज एंड 4 आवर्स रहता, तो वैसे ही हम इंक्लूड कर देते हैं यहाँ 1 से 4, ठीक है? तो M1 D1 H1 अपॉन W1 = M2 D2 H2, ठीक है? अब मैं इसी पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? ये इसको समझने में किसी को दिक्कत, ये क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी बताया वो समझने में किसी को दिक्कत? चलो मैंने एक क्वेश्चन टाइप किया है चैट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। नहीं, 17/7 नहीं लिख सकते हम, हमको 7/70 लिखना होगा आयुष, बिकॉज MDH डिवाइडेड बाई W, W क्या है, वर्ड कितना था, 17, कितना शॉर्ट स्टिच किया था उसने, 17, तो वर्ड जो होगा नीचे होगा मेरा, हाँ, तो 17/7 नहीं होगा, 7/17 होगा, क्योंकि
7 डेज है तो डेज हमेशा ऊपर रहेंगे और वर्क जो है नीचे रहेगा, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया आप वो देखो, इफ टीना कैन स्टिच 20 शर्ट्स इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन शी स्टिच 90। तो वही करना है आपको, क्या करना है, 20 शर्ट इन 12 डेज, तो 12 अपॉन 20, अब एक्स मान लेते हैं कि कितना फ्यूचर में जो काम होगा, x/90, x=12 × 90/20, राइट। सिक्स इंटू नाइन 54 होगा, इधर इसका आंसर 54 डेज। कितने लोग का आंसर समझ में आ रहा है, 12/20 = x/90। क्योंकि एम डी एच हमारे पास क्या है, डी है, तो d/w = x/w2, तो हम 54 सही आंसर है आयुष आपका। बाकी लोग आंसर आया किसी का, और किसी का आया आंसर 54? ये फॉर्मूला कितने लोगों को समझ नहीं आया आप ये बता दो, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा फिर से। कोई है ऐसा, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बस फॉर्मूला आप लोगों को चैट बॉक्स में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, आप उसको वो कर सकते हैं। इससे आप बैठाने का कोशिश करो, जो हमारे पास d2 की वैल्यू है ना वो x हो जाएगी। किसी और का सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, आपको 12/20 = x/90 करना है, 90, क्योंकि 20 डेज कितना शॉर्ट हो किए, 20, 12/20 = अब पता नहीं कितने दिन में 90 होगा, तो x/90, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। अगर आपको समझ नहीं है तो आप लिखो एक बार चैट बॉक्स में, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। कभी दिख रहे हैं लिखो, ओके। और कोई है गाइस, उनको नहीं समझ में आया, ठीक है फिर तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। If Ram can do a piece of work in 10 days and Shyam can do the same in 20 days, then how many days will the work be completed? Ram completes half of the work first and then Shyam completes the remaining half of the work. ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? अब देखो, थोड़ा मैं इसको जल्दी में शॉर्ट में आपको लिख रहा हूँ। तो राम 10 है, शाम 20 है, राइट? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20, 10 और 20 का एलसीएम, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और शाम का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, क्योंकि 20 10 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड इफ राम कम्प्लीट द हाफ ऑफ द वर्क एंड देन श्याम कम्प्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है। अब देखो, टोटल यूनिट वर्क कितना है, 20 वर्क डन, तो इसका आधा काम राम करेगा और आधा काम श्याम करेगा। पहले वर्क डन बाई राम, तो उसको कितना है, 10 यूनिट काम करना जाए, ठीक है, 10 यूनिट काम करेगा, आधा 20 का, इसका 1 डे वर्क 2 है, तो टाइम टेकन बाई राम कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, 1 डे वर्क, 2 यूनिट, 5 डेज, राइट। फिर वर्क डन बाई शाम सेम होगा क्योंकि आधा काम राम कर रहा है, आधा काम शाम कर रहा है, तो
10 मिनट, राइट? तो टाइम टेकन बाय शाम कितना होगा? अब इसका वन डे वर्क कितना है? वन, टोटल वर्क 10, 10 डिवाइडेड बाय वन, टाइम कितना होगा? 10 डेज, टोटल टाइम टेकन। आपको गौर करो, टाइम टेकन बाय राम कितना है? 5, और टाइम टेकन बाय शाम कितना है? तो 10, तो 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 डेज। ये समझने में किसी को दिक्कत? कैसे किया मैंने? इफ राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड शाम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, एंड हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ राम कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क फर्स्ट एंड शाम कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द वर्क। तो ऐसे ही कर लेंगे, 10 20 है टोटल वर्क, 20 एलसीएम, वन डे वर्क 2 यूनिट, 1 यूनिट टोटल वर्क 5। अब आधा काम राम करेगा आधा काम शाम करेगा, तो दोनों 10 टोटल, क्योंकि टोटल 20 है तो आधा कितना होगा? 10 यूनिट ईच, ठीक है? तो ए का मतलब, सॉरी यहाँ ए आर होना चाहिए, सॉरी इसके लिए आर होना चाहिए, राम और शाम। तो राम का टाइम टेकन कितना हो जाएगा? तो 10 यूनिट करना है तो 2 तो 5, लाइकवाइज शाम का 1 यूनिट है तो 10 काम करना है तो 10 डेज, तो टोटल टाइम टेकन 10 प्लस 5 प्लस 10 15 डेज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do a piece of work in 15 days. And C and A can do a piece of work in 20 days. How much long would each take separately to do the same work? ठीक है गाइज, ये भी बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, ठीक है? इसको आप देखो, मैं लिखता हूँ, किसी को कोई कहीं भी दिक्कत हो समझने में। यहाँ पे हम देख रहे हैं एलसीएम मेथड, ठीक है? एलसीएम मेथड यहाँ से, अब देखो एलसीएम मेथड, ए प्लस बी कितना कर रहे हैं? 12। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं? 15। और सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं? 20। टोटल वर्क कितना होगा? 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 60 यूनिट, राइट? अब वन डे वर्क निकालेंगे, वन डे वर्क, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा गाइस? 12, 60 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? तो समझ लो आप, 60 डिवाइडेड बाय 12 5। लाइकवाइज बी प्लस सी का निकालेंगे 4, पी प्लस ए का निकालेंगे 3, समझ रहे हो आप? तो अब देखो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, ठीक है? इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3, 12। 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12, ठीक है? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 यूनिट आया, तो अब हम इंडिविजुअल फाइंड करते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब बी प्लस सी जो है 4 है, तो इससे हम घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी 6 है और बी प्लस
4 है, तो ए का हमको वैल्यू फाइंड करना होगा, तो 6 माइनस 4 2। लाइकवाइज बी का पता करना होगा तो 3 प्लस 8 हटा देंगे 3 3, और सी का पता करना होगा तो ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा निकला ये ए प्लस ए बी और सी का वन डे वर्क निकला हमारा, कि ये एक दिन का इनका वन डे वर्क की वैल्यू इतनी है, तो टोटल टाइम टेकन। अब टोटल वर्क टोटल यूनिट कितना है, 60 है, तो ए कितना लेगा टोटल टाइम टेकन। ए का 2 तो 60 यूनिट कितने दिन में, 30 डेज, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। बी लाइकवाइज कितना लेगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 20, ठीक है, और सी कितना लेगा 60। देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू इन 15 डेज, सी एंड ए कैन डू इन 20 डेज, हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली। अगर ये दोनों मिलकर इतना कर सकते हैं तो अकेले सबको करने में कितना होगा। एलसीएम मेथड देखेंगे, ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 20, टोटल वर्क जो होगा 60 यूनिट्स होगा। अब वन डे वर्क निकालेंगे इन तीनों का, तो 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 4, 60 डिवाइडेड बाई 20 3। ये वन डे वर्क निकला ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो क्योंकि देखो ए ए बी बी सी सी दो बार है, तो 2a 2 प्लस 2 इक्वल टू ये 5 4 3 12, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट्स आ जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन है ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो इस और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है, तो हम इसे ए का और बी का और सी का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ से बी प्लस सी माइनस कर देंगे, 6 माइनस 4 ए का 2, लाइकवाइज बी का निकालना हो तो सी प्लस ए कर देंगे, 6 माइनस 3 3, और सी का निकालना होगा तो ए प्लस बी माइनस कर देंगे, 6 माइनस 5 1। तो ये ए बी और सी का वन डे वर्क निकल गया, वन डे वर्क निकल गया ठीक है। तो अब पूछा गया है कि ये तीनों अकेले ए कितने दिन में, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में काम करेगा टोटल। तो टोटल हमारा वर्क आया था 60 यूनिट, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 30, 60 डिवाइडेड बाई 3 20, 60 डिवाइडेड बाई 1 60 डेज। ये क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का टाइम हो गया है। ये क्वेश्चन है लास्ट का, आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं 1 मिनट देता हूं। टू वुमेन गर्गी एंड जमनी वॉकिंग सेपरेटली कैन नाउ मूव अ फील्ड इन 8 डेज, 8 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ दे वर्क फॉर एन आवर अल्टरनेटिवली। मान लो कि 1 घंटा गार्गी काम की और दूसरे घंटा जमनी काम की ठीक है, एंड यहाँ पे गार्गी होगा, सॉरी गार्गी गार्गी बिगनिंग एट 9 PM, वेन विल द मूविंग बी फिनिश। तो गार्गी जो काम स्टार्ट की 9 बजे से, तो कितने बजे तक काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन चलो मैं आप लोगों से सॉल्व करता हूँ। टू वुमेन गर्गी एंड जर्नी, तो गर्गी को मैं लिखूंगा जी ठीक है, 8 घंटे में, और लाइकवाइज ये 12 में, टोटल वर्क कितना हो जाएगा।
8 और 12 का एलसीएम इज 24 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब 1 डे वर्क बोल लो या 1 आवर वर्क बोल लो, तो 1 डे वर्क या स्लैश 1 आवर वर्क, ठीक है, कितना हो जाएगा घर का? 24 डिवाइडेड बाई 8, तो ये नहीं। लाइकवाइज जे का कितना हो जाएगा? 2 एम। ठीक है, अब 2 घंटे में 2 आवर्स कितना काम होगा, क्योंकि 1 1 घंटा कर रहे हैं, साथ में नहीं कर रहे हैं, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो 2 आवर में 5 यूनिट वर्क होगा, 5 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट। तो 2 घंटे में 24 यूनिट काम, सॉरी 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल काम कितने, ये 24 यूनिट काम है, 24 यूनिट का कितने घंटे में होगा? अब मान लो N2 4 करते हैं हम, तो 8 घंटे में कितना काम होगा? N2 4 20 यूनिट, राइट। अब मान लो कि देखो पहले काम किसने किया, गर्गी बिगनिंग एट 9 AM, तो हम क्योंकि दो गर्गी और फिर जमनी, गर्गी जमनी गर्गी जमनी ऐसे चलेगा, तो ऑब्वियसली दो दो के हम लेके चल रहे हैं, तो गर्गी ने फिनिश, गर्गी जमनी, तो जमनी ने खत्म किया, तो फिर 9वां घंटा जो होगा, नेक्स्ट आवर जो होगा वो फिर गर्गी आएगी। ठीक है, गर्गी का 1 यूनिट वर्क कितना है? 3। ठीक है, तो प्लस 3 यूनिट, ठीक है, तो 1 घंटा और गर्गी काम की, तो 9 आवर्स में कितना काम हो जाएगा? 23 यूनिट। फिर भी टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। तो अब 9 घंटे में 23 यूनिट काम हुआ, 1 घंटा बचा, सॉरी अगले आवर में आएगी कौन? जमनी। ठीक है, जमनी, तो जमनी की वर्क कैपेसिटी कितनी? 2 यूनिट की, और काम कितना बचा है? 1 यूनिट। तो अब उसको करना है, तो अब 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है, तो उसको 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, हाफ एन आवर, तो फिनिश फिनिश 1 यूनिट वर्क, राइट। तो 9 आवर्स 30 मिनट, फिनिश 24 यूनिट। ठीक है, तो अब पूछा गया क्वेश्चन कि 9 बजे स्टार्ट किया था, व्हेन फिनिश, तो 9 बजे स्टार्ट किया था, तो 9 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, कितने बजे खत्म होगा? 9 बजे से लेकर 9 घंटे जो 6 बजे 30 मिनट, राइट आंसर। समझ में आया गाइस ये वाला क्वेश्चन? हेलो आयुष को नहीं है, आयुष देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो, टू वुमेन गर्गी एंड जमनी वर्किंग सेपरेटली कैन माओ अ फील इन 8 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली इफ वर्क फॉर एन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब 1 घंटा गर्गी काम करेगी और दूसरे घंटा जमनी काम करेगी। ठीक है, गर्गी बिगनिंग एट 9 AM, देन विल द वर्क बी फिनिश्ड। ठीक है, मान लो कि 9 से 10 गर्गी काम करेगी, फिर 10 से 11 जमनी काम करेगी, फिर 11 से 12 गर्गी, 12 से 1 जमनी। ठीक है, वैसे कर रहे हैं, वैसे काम करेंगे लोग। पहले कन्वेंशन अपना देखते हैं कि 8 घंटे में गर्गी और जमनी 12 में, एलसीएम टोटल वर्क 12 यूनिट, सॉरी 24 यूनिट। तो 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क जो हो जाएगा गर्गी और जमनी का, वही 24 डिवाइडेड बाई 8 3, 24 डिवाइडेड बाई 12 2। ठीक है, क्योंकि अब साथ में कर रहे होते तो हम 1 घंटे का 3+2 लिख सकते थे, लेकिन
लेकिन 1 घंटा ये 1 घंटा ये करेंगे तो 2 घंटे में कितना काम होगा? ये 1 घंटा में 3 यूनिट काम कर रही है, और ये 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रही है, ठीक है? तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम होगा? 5 यूनिट काम होगा, राइट? अब हमको कितना जाना है? 24 यूनिट का जाना है। तो कितना से इंटू करेंगे तो किसके क्लोज जाएंगे? अगर हम 5 से करते हैं तो 25 एक्सीड कर जाएगा, इसलिए अभी 4 से करते हैं उसके क्लोज जाते हैं। तो 5 × 4 20 यूनिट, और 5 बस नहीं, अगर यूनिट को मल्टीप्लाई किया तो टाइम को भी करेंगे तो 2 × 4 8 आवर्स, 8 आवर्स में ये लोग 20 यूनिट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्योंकि गर्गी जमनी ऐसे चल रहा है, तो गर्गी ने पहले स्टार्ट किया, जमनी ने खत्म किया, वैसे ही करते करते, तो क्योंकि ये इवन है तो अब नेक्स्ट टर्न जो होगा गर्गी का होगा। तो गर्गी का एक 1 डे 1 आवर वर्क कितना है? 3 यूनिट। तो वो 8 आवर खत्म होने के बाद 9वें आवर में घुसते ही आके वो 3 यूनिट काम करती है, तो 9 घंटे में 23 यूनिट काम हुआ। हमारे पास बस कितना गया? 1 यूनिट काम। लेकिन जो हमारी जमनी है उसकी वर्क कैपेसिटी 2 यूनिट से 1 घंटे में काम करें। तो सिंस वो 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है और हमारे पास बचा है 23, 1 यूनिट, क्योंकि 24 - 1 तो उसको 1 यूनिट काम करने में आधा घंटा लगेगा, तो हाफ एन आवर ऑफ वर्क टू फिनिश 1 यूनिट ऑफ वर्क बाई जमनी। तो सिंस 9 घंटे में 23 यूनिट काम हुआ गर्गी तक, तो आधे घंटे में जो 30 मिनट है, जो 30 मिनट है वो एक एक यूनिट जो बचा है वो काम हो जाएगा, ठीक है? और तो क्वेश्चन पूछा था कि 9 बजे स्टार्ट हुआ है तो कब तक फिनिश होगा? तो सिंस 9 घंटे और 30 मिनट लग रहे हैं, तो आप 9 AM से कैलकुलेट करोगे, 9 AM से, तो उसमें 9 आवर 30 मिनट ऐड करोगे आप, तो इट वुड बी 6:30 PM, ठीक है? हमारी क्लियर? ओके, ग्रेट। लेट मी सी आर लीगल की क्लॉक कौन लेगा। गाइस, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है वैसे? किसी को कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आया हो? हाँ, सॉरी गाइस, आई गॉट अ कॉल, आई वाज कॉलिंग देव, हु विल बी टेकिंग, देव प्रिया, हु विल बी टेकिंग योर नेक्स्ट क्लास ऑफ लीगल। तो गाइस, आप लोगों को अभी तक इस क्लास में जो भी कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया हो, ऑल्सो आज हमारी इंग्लिश की क्लास नहीं है जो टीचर है, तो एक मैं फिर से अनाउंसमेंट कर देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में की थी। नेक्स्ट वीक से हम लोग गूगल क्लासरूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिन जिन लोगों ने डिजिटल नालंदा के वेबसाइट पे रजिस्टर किया है उनको हम गूगल क्लासरूम में ऐड कर देंगे। गूगल क्लासरूम पे ऐड करने के बाद हम जो भी क्लासेस होंगी अब जूम पे नहीं, गूगल मीट पे लेंगे, क्योंकि गूगल मीट जस्ट एन जस्ट एन एडवांटेज ऑफ लाइक हैंडलिंग एवरीथिंग, समवन कैन ऑल्सो अनम्यूट देमसेल्फ एंड रेज क्वेश्चन, रेज देयर हैंड फॉर एनी क्वेश्चन। ऑल्सो गूगल क्लासरूम बन जाएगा, तो वहाँ पे वी विल बी पुटिंग आउट द एक असाइनमेंट जो हम डेली पढ़ा रहे हैं वो सब, और क्या आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है वो, तो एक सिस्टमेटिक जगह पे आप लोग पास सब चीज रहेगा। और जो जो लोगों ने डिजिटल नालंदा के साइट का रजिस्टर किया है उनको हम गूगल क्लासरूम में ऐड कर देंगे। एडिशनली उनको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो और जितने हमारे टीचर्स और मटेरियल टीम है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे। उससे क्या होगा कि आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत उसकी फोटो खींच के या आप टाइप करके उसको ग्रुप पे पूछ सकते हो, तो आइदर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट जिसको वो क्वेश्चन आता हो वो सॉल्व कर सकता है। नीरज, या सो गाइस, देव प्रिया इज हेयर, देव प्रिया विल बी टेकिंग द टुडेज लीगल क्लास। हाय गाइस, हेलो, आप में से कुछ तो मुझे जानते होंगे प्रीवियस क्लासेस से। सो मैं आपका लीगल, मैं और शैलजा, शैलजा शायद से अभी थोड़ी बिजी है, मैं और शैलजा आपकी लीगल क्लासेस लेंगे। हाय आयुष। ओके, सो देव।